हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अंसारी शबनम एंड यू आर वाचिंग ऑल अबाउट टीचिंग। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम क्लास 5 साइंस ओलंपियाड की वीडियोस बनाइए, सो आई एम हियर विथ यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लास 5 साइंस ओलंपियाड। आज हम चैप्टर नंबर 1 डील करने वाले हैं जिसका नाम है एनिमल्स, और एनिमल्स में कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर बेस्ड होंगे हमारे क्वेश्चंस। वो है हैबिटेट, बॉडी कवरिंग, ईटिंग हैबिट्स, ब्रीदिंग मेथड्स, मूवमेंट्स इन एनिमल, माइग्रेशन अमंग एनिमल्स एंड अडेप्टेशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसी पर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। देर विल बी 20 क्वेश्चंस, तो 20 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ बेबी ऑफ एक्स, कोई भी एक क्रिएचर है, वो क्रिएचर के बारे में बताया जा रहा है। अ बेबी ऑफ एक्स, दिस एक्स इज द क्रिएचर, सॉरी X is the creature, okay? Breathe through its gills, whereas adult X breathe through its lungs on land. Oh, ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। Frog जो होती है, frog की आपने life cycle देखी है? Frog का जो baby होता है, उसे हम कहते हैं tadpole. Frog के baby का नाम है tadpole. तो फ्रॉग का बेबी जो टैडपोल है, वो एक्चुअली रहता है वाटर में, और ये वाटर में रहता है तो ये अपनी स्किन से, अपनी गिल्स के थ्रू ये ब्रीथ करता है। इसके पास गिल्स होती हैं, जस्ट लाइक फिशेस, इसके पास गिल्स होती है, वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है। जबकि जो अब ये फ्रॉग जब बन जाएगा, जब ये एडल्ट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, और जब ये फ्रॉग बनेगा, तो ये जब लैंड पर रहेगा तो ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करेगा, और जब ये पानी में जाएगा तो उस वक्त ये अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करेगा, ठीक है। जब ये छोटे होते हैं, टैडपोल जब होते हैं छोटे से, जब जैसे ये बॉर्न होता है, लगता है फिश की तरह देखने में, टू सम एक्सटेंट ये फिश की तरह दिखने में लगता है, और ये अपनी गिल्स से ब्रीथ करता है, ठीक है। जैसे जैसे इसका लाइफ प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ये फ्रॉग बनेगा, तो ये जब पानी में रहेगा तो अपनी स्किन के थ्रू उसकी गिल्स ख़त्म हो जाएंगी, गिल्स नहीं रहेंगी, वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करेगा, और जब ये लैंड पर आएगा, ज़मीन पर जब रहने लगेगा, तो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ फ्रॉग, ओके। Now let us see question number 2. Question number 2 says, which among the following animals camouflage itself in the similar way as the polar bear? अच्छा, camouflage का मतलब क्या है? Camouflage का मतलब ये होता है कि अपनी camouflage का मतलब ये है कि अपनी जो surrounding है, उस surrounding में खुद को blend कर लेना, ठीक है, mix हो जाना, ताकि हमें कोई शिकारी पकड़ ना पाए। तो ऐसा कौन करेगा? पोलार बियर की तरह बाकी सारे एनिमल्स में से, ये जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कमेलियन। तो कमेलियन एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा क्रिएचर है जो खुद को अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, कमेलियन चेंजेस इट्स कलर टू ब्लेंड विथ इट्स सराउंडिंग। जबकि ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं, लाइक स्टोन फिश, स्टिक इंसेक्ट एंड लीफ इंसेक्ट्स, दे डू नॉट चेंज देयर कलर, दे मिमिक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स टू सच एक्सटेंट एंड दैट दे लुक अलाइक। वो कुछ चीज़ों के सिमिलर दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3। सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कवरिंग। देखिए, बॉडी कवरिंग की यहाँ पर बात आ गई। अगर हम बॉडी कवरिंग इनकी देखें, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या क्या है, क्या नाम है इसका, स्नेक, स्नेक और लिजर्ड है, और है एक एंट और फिश। इन चारों में ये स्नेक, लिजर्ड और फिश, ये तीनों की जो बॉडी कवरिंग होती है, बिल्कुल पतली होती है, केचुली होती है इनके ऊपर, जिसे हम कहते हैं स्केल्स। क्या कहते हैं? स्केल्स। जबकि ये जो एंट है, ऑप्शन 3, एंट की जो आउटर कवरिंग होती है, ये आउटर कवरिंग थोड़ी सी मोटी होती है बाकी के मुकाबले, और इसकी कवरिंग को कहते हैं क्यूटिकल। तो यहाँ पर अलग कौन हो गया? अलग हो गया एंट, क्यूटिकल इसकी जो कवरिंग है उसका नाम है।
क्वेश्चन नंबर 4, मीनाक्षी सॉ अ बर्ड वॉकिंग एंड स्क्रैचिंग द सॉइल फॉर वर्म्स एंड सीड्स. मीनाक्षी ने एक बर्ड को देखा जो कि चल रही थी और जमीन को खोद रही थी, स्क्रैच कर रही है जमीन को. क्या कर रही है? सॉइल में से वर्म्स और सीड्स निकाल रही है. सॉइल में से वर्म्स और सीड्स निकालने वाला काम मोस्टली कौन करता है? मुर्गी, है ना, जो हमारे एकदम एकदम बेसिक है, जो हमारे एकदम लोकल में हमारे घरों में भी पाई जाती है मुर्गियाँ. हाँ, तो मुर्गियों के पैर कैसे होते हैं? विच काइंड ऑफ फूड द बर्ड हैव, कौन किस तरह के फूड होंगे? ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो डक है, पहला वाला तो डक है, डक तो नहीं होगा. ये तो बड़ी चिड़ियों वाला है, और ये भी जो प्रे जो प्रीडेटर्स होती है ना, दूसरों को शिकारी बनाने वाली, उनके पैर हैं ये. मुर्गी का पैर है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी वाला जो पैर है वो बिल्कुल उसी बर्ड का है जो कि वॉक करेगी और स्क्रैच करेगी सॉइल को वर्म्स और सीड्स निकालने में. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर द अडैप्टेशन फॉर फ्लाइट इन बर्ड्स. अच्छा, बर्ड्स जो फ्लाई कर पाती है तो उनमें कौन कौन सी अडैप्टेशंस होती हैं ये हमें बताना है. पहले हम ऑप्शन सारे पढ़ लेते हैं. हॉलो बोन्स टू रिड्यूस बॉडी मास, यस, हॉलो बोन्स तो उनकी होंगी ही, ठीक है. फेदर्स कवरिंग देयर बॉडी, हाँ, उनकी बॉडी में फेदर्स भी कवर्ड होते हैं. अ स्ट्रीमलाइन बॉडी विथ लार्ज यूनिटरी ब्लैडर, नो, उनकी लार्ज यूनिटरी ब्लैडर नहीं होती है. दे डू नॉट हैव यूनिटरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर उनकी बॉडी में नहीं होता है, ताकि उससे उनकी जो बॉडी का जो वेट है वो रिड्यूस्ड रहे और वो फ्लाई कर पाए. एंड विंग्स विथ पावरफुल मसल्स, यस, दे हैव अ पावरफुल मसल्स विंग, उनके विंग्स में बहुत ही पावर होते हैं. तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी. 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 ये सही है. ये ऑप्शन 3 जो है ना, ये गलत ऑप्शन है. तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन सी, दैट इज बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉर फ्लाइंग बट दे डू नॉट हैव यूरिनरी ब्लैडर. इट रिड्यूसेस द वेट ड्यूरिंग फ्लाइट. ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. सी दिस इज, देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ व्हेल एंड अ शार्क. क्या पूछा गया है? रेफर टू द गिवन फिगर, विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वे इन विच वन ऑफ दीज एनिमल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. अच्छा, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं वो हमें बताना है. द वन हैज टू कम टू वाटर सरफेस टू ब्रीथ, इन दोनों में से एक को वाटर सरफेस पे आना पड़ता है ब्रीथ करने के लिए. हाँ, आना पड़ता है. वन नीड्स ऑक्सीजन टू लीव, ऐसे ऑक्सीजन तो दोनों को ही जरूरत होती है ना. कोई पानी के अंदर का ऑक्सीजन ले लेता है जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको, और कोई ऊपर आकर के ऑक्सीजन को लेता है. द बॉडी ऑफ वन इज अडेप्टेड फॉर मूविंग थ्रू द वाटर, दोनों की ही बॉडी अडेप्ट हुई है और दोनों के ही बैकबोन है. ऑप्शन ए जो है वो उसको अलग बनाता है, वो क्या है कि एक को ऊपर आना पड़ता है. किसको ऊपर आना पड़ता है? व्हेल इज एन एक्वाटिक मैमल दैट ब्रीथ थ्रू लंग्स. व्हेल जो है वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है ना. तो इसे जो ऑक्सीजन चाहिए वो एयर में होगी. एंड इट कम्स टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ थ्रू ब्लो होल्स एंड शार्क ब्रीथ थ्रू गिल्स इन वाटर. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. लेट मी टेक माय पेन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now let's move to the next question. Question number 7. Dash is a carnivore. It has sharp and pointed. Carnivore है वो. Dash is a carnivore. वो carnivore है. और उसकी sharp और pointed कौन सी वाली teeth होंगी? Sharp भी होंगी और pointed भी होंगी. कौन सी वाली teeth? Canines होंगी. है ना, उनकी जो कैनन्स होंगी वो बिल्कुल शार्प होंगी और पॉइंटेड होंगी. यस, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है. बच्चों आपको ये ट्राई करना है ना कि मैम आंसर बताए उससे पहले आप खुद आंसर बताओ. आप सोचो उस आंसर के ऊपर कि क्या होगा, और जब आप आंसर पर पहुंच जाओ ना, व्हेन यू कम टू द आंसर जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और बताओ कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं, कौन सा पार्ट है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, या तुम्हें लगता है कि मैम की स्पीड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा स्लो करने की ज़रूरत है. तो ये सारे सजेशंस तुम मुझे कॉमेंट में लिख करके भेज सकते हो. आई गो थ्रू ऑल द कॉमेंट्स.
मैं ऑलमोस्ट कोशिश करती हूँ कि मैं 90% कमेंट्स को रिप्लाई दूँ, लाइक करूँ, उन्हें रीड करूँ, ठीक है। तो कुछ भी होगा, अगर आपको किसी चीज़ की डाउट है, कोई कुछ आपको चाहिए भी, तो आप मांग सकते हैं और आपको वो मिल जाएगा। तो इसी के साथ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मैं आपको रिमाइंड कर दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपकी प्रिपरेशन के लिए, और साथ ही साथ इसकी लाइक बटन को हिट कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन सी, और बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले हम स्टेटमेंट्स को रीड कर लें, ठीक है, पहले हम स्टेटमेंट्स को रीड कर लेते हैं। आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स ब्रीडिंग ग्राउंड इन एंटार्कटिक टू आर्कटिक इन समर। नंबर टू, मोनार्च बटरफ्लाइज ट्रेवल फ्रॉम कैनेडा। नंबर थ्री, सैल्मन स्विम्स लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच सी टू ले एग्स। एंड नंबर फोर, साइबेरियन क्रेन्स कम टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर। तो साइबेरियन बर्ड्स तो आती हैं, साइबेरियन क्रेन्स जो होती हैं वो तो इंडिया आती हैं विंटर में, बिल्कुल सही है। माइग्रेशन एक्चुअली बर्ड्स विंटर में ही करती हैं, क्योंकि विंटर में क्या होता है ना, बर्ड्स को खाना वाना मिलता नहीं है, तो खाने की तलाश में तो वो माइग्रेट करती हैं। हमारा ऑप्शन फोर तो कंफर्म हो गया कि ऑप्शन फोर हमारा सही है, और सैल्मन के बारे में भी हम कंफर्म हो गए कि सैल्मन स्विम करेगा लॉन्ग डिस्टेंस, सी नहीं जाएगा, वो आएगा रिवर में, वो आएगा छोटी जगह में और आकर के अपने अंडे देगा, वो सी नहीं जाएगा, ठीक है। उसका काम सी जाने का नहीं है, उसका काम वापस आने का है, और वापस आकर के वो फ्रेश वाटर में, रिवर में वो अपने बच्चे देता है ना। तो इसमें हमें मिलता है ऑप्शन, अगर फोर हमें मिल गया कि ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट है, और बाकी के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं भी है, जैसे आर्कटिक टर्न के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है, तो आर्कटिक टर्न क्या करेगा, आर्कटिक टर्न का भी जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो उसका विंटर का है, ठीक है। आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स फ्रॉम इज ब्रीडिंग ग्राउंड इन एंटार्कटिक टू आर्कटिक टू एंटार्कटिक, आर्कटिक से एंटार्कटिक में जाता है, वो भी विंटर में जाता है, हाँ। चलो, तो ऑप्शन बी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, कि हमें तो पता चल गया कि साइबेरियन क्रेन इंडिया आती है विंटर में, तो हम इसको सीधा सीधी बी को हम टिक करेंगे। अगर आपको इतना भी पता है तो आप आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है, और ऑब्वियसली नहीं भी हो पाती है, कई एक टाइम ऐसा होता है कि हमें सारी चीज़ें नहीं पता होती है, कुछ अगर एक पॉइंट आपको पता है तो उसके बेसिस पर आप अपने सेलेक्ट आंसर को सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द एनिमल दैट इज फाउंड इन द सिमिलर हैबिटेट एज द एनिमल शोन हियर। ये जो कैंगरू रैट क्वेश्चन नंबर 9, ये जो कैंगरू रैट आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ, ये कैंगरू रैट की हैबिटेट क्या है। कैंगरू रैट डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, तो अगर ये डेजर्ट एरिया में पाया जा रहा है, तो हमारे ऑप्शंस में जितने भी हमारे पास जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से कौन सा वाला ऑप्शन है जो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, बताइए। एक तो पेंगुइन है, ठंड की जगह में रहता है, पोलार बियर भी ठंड की जगह में रहता है, और डियर तो हमारे ऐसे नॉर्मल एरिया जगह में रहता है ना, लैंड में रहता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो। बी जो है वो डेजर्ट में रहता है, बी में क्या है, कैमल डेजर्ट एरिया में रहता, तो इसकी तरह सिमिलर हैबिटेट किसका हुआ, बी का हुआ, कैमल का, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, वेन डायग्राम इसमें दिया हुआ है, और वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें बताना है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है, और ध्यान से हमें इसको आंसर को करना है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, क्यों क्या कह रहा है, क्यू ब्रीथ थ्रो स्किन्स। अच्छा, क्यू जो है वो स्किन से ब्रीथ करेगा, ओके। आर ब्रीथ थ्रो गिल्स, एंड ब्रीथ थ्रो पी ब्रीथ थ्रो लंग्स, ओके। टैडपोल, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि टैडपोल कैसे ब्रीथ करता है, तो टैडपोल के पास तो गिल्स होती हैं, वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है, तो गिल्स के थ्रू यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो
R is representing tadpole. Understood? R is representing tadpole. Okay. Now, let's move to question number 11. Question 11 is, select the animal pair who have similar breathing mechanism. Jiska breathing mechanism bilkul same hai, usse hume select karna. Okay. To, yaha par hai bat and fish. Bat aur fish kaise same ho sakta hai? Bat तो पानी में नहीं रहती है, फिश पानी में रहती है, तो इन लोगों का तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना. पहला ऑप्शन ही रॉन्ग है. ऑप्शन बी देखिए, टर्टल एंड लीजर्ड. टर्टल और लीजर्ड का क्या है? टर्टल और लीजर्ड टैड ये टर्टल और लीजर्ड दोनों के ही पास लंग्स होते हैं और ये दोनों लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. अंडरस्टूड? बटरफ्लाइज की तो बॉडी में छेद होता है, एब्डोमेन में, पेट में होल्स होते हैं, वो होल्स के थ्रू एयर उसका अंदर जाता है बटरफ्लाइज में. और अर्थवर्म स्किन के थ्रू करेगा ब्रीथ, ठीक है. और कॉकरोचेस के भी ना वो उसका भी ब्रीदिंग मैकेनिज्म अलग है, अर्थवर्म की तरह नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर हमें ऑप्शन कौन सा मिला? बी ऑप्शन, ऑप्शन बी. टर्टल एंड लीजर्ड ये दोनों के पास लंग्स हैं, दे हैव लंग्स एंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स. क्वेश्चन 11, सॉरी क्वेश्चन 12 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस अमंग द फॉलोइंग. अच्छा, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमें सेलेक्ट करने के लिए कहा गया. ईल्स माइग्रेट टू फ्रेश वाटर रिवर टू ले एग्स. ईल्स ना, ईल्स माइग्रेट टू सी. ईल तो फ्रेश वाटर में रहता ही है, वो माइग्रेट करता है सी में एग्स देने के लिए, समझे? एग्स देने के लिए वो सी में जाता है, बड़ी जगह पर जाता है और जाकर के वहां अंडे देता. तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये कड़िया. आर्टिक टर्न ट्रेवल्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अमंग द माइग्रेटरी बर्ड. हाँ बिल्कुल, ये तो हमने कई बार बहुत जगहों पर फैक्ट्स में देखा होगा कि आर्टिक टर्न सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है. सी क्या हमारा? सी कह रहा है वेल्स ट्रेवल टू कोल्ड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन एंड वार्मर वाटर फॉर ब्रीडिंग. नहीं, ये भी सही नहीं है. तो हमें सही वाला ऑप्शन मिल गया ना. कहाँ मिला करेक्ट ऑप्शन? हमें करेक्ट ऑप्शन मिला बी, कि आर्टिक टर्न सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है. माइग्रेटरी बर्ड्स में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने का रिकॉर्ड आर्टिक टर्न का है. और अब एक एनिमल यहाँ पर हमें दिख रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एनिमल शोन हियर. ये जो एनिमल है ना, इसको कहते हैं आर्माडिलो. आर्माडिलो, हाँ, ये एनिमल आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो गया, ये कार्टून्स वगैरह में भी दिखाई पड़ जाएगा आपको. ये एक ओमनीवोरस है, ठीक है. ये एक ओमनीवोरस एनिमल है. ओमनीवोरस का मतलब क्या है? ओमनीवोरस उन एनिमल्स को हम कहते हैं जो कि हर्ब्स भी खाते हैं, है ना, जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और साथ ही साथ इंसेक्ट्स भी खाते हैं, मतलब फ्लैश भी खाते हैं, दोनों ही खाते होंगे तो. और हर्बीवोरस क्या है? जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं. और कार्निवोरस जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का. लेकिन ओमनीवोरस का क्या काम है? ओमनीवोरस का काम है कि वो दोनों ही खाता है, ठीक है. बी ऑप्शन. रेफर टू द वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. अच्छा, इसमें हमें इनकरेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कहा गया. इनकरेक्ट क्या है? ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म एक्स कैन बी बैट एंड जेड कैन बी ऑस्ट्रिच. जेड हैज फेदर्स. ऑस्ट्रिच के ये फेदर्स हैं, इसके पास सिर्फ विंग्स हैं, और एक्स के पास दोनों ही हैं, विंग्स भी है और फेदर्स भी है. तो क्या जेड के पास सिर्फ फेदर्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. उसके पास सिर्फ फेदर्स नहीं होते, उसके तो विंग्स भी होती हैं. और ईमू के पास भी है ना, जेड कैन बी ईमू. नहीं, ईमू के पास भी विंग्स होती हैं और विंग्स और फेदर्स भी होते हैं. ये लोग फ्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन विंग्स तो होती है इनकी भी. ऑप्शन सी कह रहा है देर इज़ नो सच ऑर्गेनिज्म एज एक्स. एक्स की तरह कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है. कैसे नहीं है भाई? बिल्कुल है, बहुत से ऑर्गेनिज्म्स हैं एक्स की तरह, जिसके पास विंग्स भी है और जिसके पास फेदर्स भी है. ऐसे बहुत सारे हमें ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, है ना. और डी ऑप्शन कह रहा ऑल ऑफ दीज. यस, ये सब के सभी गलत हैं. तीनों के तीनों ऑप्शंस हमें इनकरेक्ट मिले.
तो हम ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ दीज आर इनकरेक्ट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15। रीड द फॉलोइंग अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स फॉर ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड हैबिटेट्स के लिए हमें जो अडेप्टेशन दिए हुए हैं इनको रीड करना है और बताना है कि इसमें से कौन कौन से प्रे हैं और कौन कौन से प्रीडेटर। अच्छा, प्रे क्या होते हैं और प्रीडेटर्स क्या होते हैं? प्रे है शिकार और प्रीडेटर्स हैं शिकारी, जो कि प्रे का शिकार करेंगे और खाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम ऑप्शंस को पढ़ करके हमें पता करना है कि इनमें से कौन कौन से प्रे हैं और कौन कौन से प्रीडेटर्स हैं। लेट्स रीड द ऑप्शंस नाउ। दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड देयर टोज। ये प्रीडेटर्स की कहानी है। ठीक है, वन इज प्रीडेटर फॉर श्योर। नंबर टू, दे हैव आईज ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड। ये दोनों के साइड्स में हेड आईज होती हैं, तो साइड्स में जिनकी आई होती हैं वो होते हैं प्रे। प्रीडेटर्स की जो आईज होती हैं वो बिल्कुल फ्रंट में होती है ताकि वो फोकस कर पाए अपने प्रे पर। नंबर थ्री इज दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट हिंड टीथ फॉर चीविंग। अच्छा, ये जो होंगे एनिमल्स ये घास खाने वाले होंगे, फ्लैट टीथ। और प्रीडेटर्स जो होंगे, प्रीडेटर्स की शार्प पॉइंटेड टीथ होती हैं, तो ये प्रीडेटर नहीं है, वन प्रीडेटर है, अभी तक हमें वन मिला। दे मूव इन हर्ड्स। अच्छा, मूव करते हैं हर्ड्स में, यानी कि झुंड में चलते हैं, तो झुंड में चलते हैं, प्रे चलते हैं झुंड में ताकि हम बचे रहें, है ना। झुंड में रहेंगे तो कोई शिकार करने आएगा नहीं, बचने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए वो लोग हमेशा झुंड में चलते हैं। नंबर फाइव, दे हैव आईज इन फ्रंट ऑफ देयर फेस। यस, ये भी प्रीडेटर है। वन और फाइव है प्रीडेटर्स, जिनकी आंखें सामने हैं, उनके क्लॉज होते हैं और वो क्लॉज को छुपा करके रखते हैं अपनी टोज में, जब जरूरत पड़ेगी तो क्लॉज निकालेंगे, पंजा मारेंगे। तो हमारे पास वन और फाइव प्रीडेटर्स है। ऑप्शन देखिए कौन सा वाला है, ऑप्शन सी। यहाँ हमें ऑप्शन सी मिल रहा है, जिसमें कि हमें बताया गया है कि ऑप्शन टू, थ्री एंड फोर आर प्रे एंड वन एंड फाइव आर प्रीडेटर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब आ गए हम अचीवर सेक्शंस की तरफ। अचीवर सेक्शंस में हमारे पास पांच क्वेश्चंस होंगे, 16, 17, 18, 19 एंड 20। 16 में हमें एक टेबल दिया हुआ है, लेट अस रीड इट, स्टडी द टेबल एंड फाइंड आउट अबाउट विच एनिमल इट इज टॉकिंग अबाउट। विच ऑफ दीज एनिमल इज कॉकरोच एंड फ्रॉग रेस्पेक्टिवली। ओके, ब्रीथ थ्रू स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स के थ्रू ब्रीथ करेगा ये तो कॉकरोच करेगा, और वो हर्बीवोरस भी नहीं है, वो ओमनीवोरस है। बिल्कुल सही। क्यू क्या करेगा? क्यू स्पाइरिकल्स के थ्रू ब्रीथ नहीं करेगा, नहीं, क्योंकि स्किन के थ्रू ब्रीथ करेगा। स्किन के थ्रू ब्रीथ करेगा, फ्रॉग ब्रीथ करता है स्किन के थ्रू, है ना। वेरी गुड, जो कि हर्बीवोरस नहीं है, ओमनीवोरस नहीं है, वो है सिर्फ और सिर्फ कार्निवोरस, वो फ्लाइज वगैरह खाता है, कीड़े मकौड़े खाता है, हा? तो हमारा ऑप्शन सी हमें यहाँ पर करेक्ट मिल गया कि पी कॉकरोच है और क्यू जो है वो क्यू है आपका फ्रॉग, FROG फ्रॉग। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन 17। अच्छा, क्वेश्चन 17 में हमें कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 19 तक, यानी कि तीन क्वेश्चन इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। ये जो ग्राफ हमें दिया हुआ है इस पर बेस्ड होंगे। क्या है ये? रेफर टू द गिवन ग्राफ विच शोज चेंजेस इन टेम्परेचर एट टू प्लेसेस x एंड y ओवर द ईयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, x जो है वो बिल्कुल ठंड वाली जगह है, हाँ सॉरी y है, ये x नहीं है, y जो है वो बिल्कुल ठंड वाली जगह है। तो यहाँ पर ज़रूर वो एनिमल्स रहेंगे और इनका अडेप्टेशन वो ठंड वाला होना चाहिए, कोल्ड वाला, ठीक है। और x एक गर्मी की जगह है, काफ़ी गर्मी है यहाँ पर, ये देखो कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर जा रहा है, ये 40 से लेकर के यहाँ पर 50 के अबव चला जा रहा है, लगभग 60 तक पहुँच जा रहा है ना। तो यहाँ पर डेजर्ट एनिमल्स की बात होनी चाहिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एनिमल फाउंड एट प्लेस एक्स शुड बी हैविंग अडेप्टेशन फॉर, हाँ
रिड्यूस्ड स्वेटिंग, बिल्कुल, क्योंकि ये रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स है, धूप में रहने वाले एनिमल्स है, तो इनकी अडेप्टेशन होगी रिड्यूस स्वेटिंग, क्योंकि अगर ये ज़्यादा स्वेटिंग करेंगे तो फिर इन्हें ज़्यादा प्यास लगेगी और उस तरह के एरिया में वाटर अवेलेबल होता नहीं है, तो इनकी अडेप्टेशन है रिड्यूस स्वेटिंग, ऑप्शन ए, पहले ही ऑप्शन हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 18 इज द एनिमल्स हैव लिविंग एट वाई शुड बी हैविंग अडेप्टेशन, लाइक जो वाई में रहेंगे ना उनकी थिक लेयर होनी चाहिए फर की, थिक लेयर होगी तो उन्हें ठंड नहीं लगेगी, जस्ट लाइक पोलार बेयर। तो 8 यहां पर सही है, ओके चल अब देखते हैं क्वेश्चन 19 कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द एनिमल दैट मे बी लिव एट दीज प्लेसेस। अच्छा, रैटल स्नेक और स्कॉर्पियो नहीं, आर्टिक हेयर और स्नोई वुल, आर्टिक हेयर और स्नोई वुल दोनों के दोनों ही ठंड वाली जगह में है, ये नहीं होगा। रैटल स्नेक एंड वॉलरस, यस रैटल स्नेक एक गर्मी की जगह में रहने वाला एनिमल है और वॉलरस एक कोल्ड एरिया में रहने वाला एनिमल है ना। ये रैटल स्नेक इज अ डेजर्ट एनिमल एंड वॉलरस इज फाउंड इन कोल्ड एंड पोलार हैबिटेट्स। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, मेरी पेन कहाँ है, ऑप्शन सी रैटल स्नेक एंड वॉलरस। नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ। चलो क्वेश्चन 20 देख लें। एनिमल एक्स हैचेस फ्रॉम एग्स एट अ प्लेस पी एंड गोज टू क्यू टू स्पेंड इट्स लाइफ, व्हेन रिप्रोडक्शन टाइम कम्स इट गोज बैक टू पी। अच्छा, फिर वो पी में जाएगा और वहां पर अंडे देगा और मर भी जाएगा एंड देन डाइज। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स पी एंड क्यू। अच्छा, उसमें से एक्स क्या है? इन ऑप्शंस में जो सैल्मन फिश है, सैल्मन फिश अपनी अर्ली लाइफ जो है, अपनी अर्ली लाइफ फ्रेश वाटर में जैसे कि रिवर में स्पेंड करता है, उसके बाद वो अपनी बाकी की लाइफ जाता है सी में स्पेंड करने के लिए, और सी में स्पेंड करने के बाद वो फिर वापस आता है। हाँ, इट व्हेन इट मैच्योर्स इट रिटर्न्स टू द रिवर टू स्पॉन, और या जिसको हम कहें कि ले एग्स, एग लेइंग के लिए वापस आता है, एंड आफ्टर स्पॉनिंग ऑल द स्पेसिफिक पैसिफिक सैल्मन्स एंड मोस्ट अटलांटिक सैल्मन्स, ये दोनों के दोनों ही मर जाते हैं, दे डाइज। तो हमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल रहा? ऑप्शन सी सैल्मन। सैल्मन फिश स्पेंड इट्स अर्ली लाइफ इन रिवर एंड देन स्विम्स अप टू सी टू स्पेंड इट्स लाइफ एंड देन इट कम्स बैक, व्हेन इट मैच्योर इट कम्स बैक रिवर टू ले देयर एग्स एंड आफ्टर स्पॉनिंग और आफ्टर लेइंग एग्स द सैल्मन फिश डाइज। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड our all the questions, all the 20 questions. I hope you have understood. In case there is any topic you want to understand, ye questions ke alawa bhi koi aisi topics hongi jo aap samajhna cha rahe hain, to zarur mujhe comment karke bataye. Okay, thank you everyone for watching and stay connected.